सरकार जब भी होती थी तो पर्ची खर्ची सब चलता था, लेकिन अब बहुत एक समान है पूरे हरियाणा में। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो हजारों हजार बच्चे अपने इंटरव्यू लेटर लेके चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के पीछे, उसके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के पीछे भागते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी में जो पढ़ेगा लिखेगा वही वही आगे पहुंचेगा। क्या नाम आपका? चेतन है सर। क्या कहेंगे बीजेपी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का दावा कर रही है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत सही बात है। और पीछे कांग्रेस सरकार जब भी होती थी तो पर्ची खर्ची सब चलता था, लेकिन अब बहुत एक समान है पूरे हरियाणा में। जो भी अच्छे से पढ़ेगा, जिसके भी मेरिट में अच्छे नंबर आएंगे, वो बिल्कुल नौकरी लगेगा, उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो अगर बात करें, आपका कोई जानकार है जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगा रहा है? बिल्कुल, हमारे गांव में भी है, हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारे लड़के हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो सरकारी नौकरी पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर और बहुत पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करी है। तो कांग्रेस सरकार की अगर बात करें, मेरिट वालों का भी नंबर कट जाता था अगर कार से ना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। और बहुत लंबे समय तक ऐसा हुआ, क्या हुआ? मतलब पैसे लगते थे और तब जाके नंबर पड़ता था, पढ़ाई का कोई इतना बेस था नहीं पहले। अब बिल्कुल एक समान है पूरा, सब कोई खर्चा नहीं है, अब सीधा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो और अपनी नौकरी प्राप्त करो। अगर बात करें, बीजेपी दावा कर रही है कि जो भी नौकरी लगते हैं हरियाणा में उनको अब ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, वो लेटर फोन पे आ जाता है एसएमएस पे। आज बिल्कुल सर, घर पे आ जाता है सारा, और बार बार कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस सरकार की बात करें, उस समय में क्या होता था? उस समय में तो दफ्तरों के चक्कर काट काट के भी बहुत बार जाना भी पड़ता था, इतना पैसा नहीं अपनी जेब से निकालने, इतना काम ही नहीं होता था सर। हाँ बिल्कुल, बिकती थी पहले ही पैसे दे के अपना सारी सेटलमेंट हो जाती थी, और अपना पेपर दे के तो ये तो एक सीधा स्पष्ट पहले ही पता था कि भी नंबर नहीं पड़ेगा। क्या नाम आपका? धर्मवीर। क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार दावा करती है बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है? बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं, ये दावा बिल्कुल सही है। मेरे काफ़ी जानकार, मेरे काफ़ी दोस्त जो इस सरकार ने गवर्नमेंट जॉब पे लगाए हैं, वो बिना खर्ची बिना पर्ची के अपनी मेहनत से टेस्ट पास करके आप एग्ज़ाम क्लियर करके लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भाजपा सरकार दावा कर रही है बिना खर्ची पर्ची, ये बिल्कुल सही है। तो पहली जैसे कांग्रेस की सरकारें थी उसमें कैसे मिलती थी नौकरियां? पहले जो कांग्रेस की सरकार में थी उसमें एमएलए एमपी जो उनके जानकार उनके रिश्तेदार उनको ही नौकरियां में प्राथमिकता दी जाती थी, या उनका कोई अपना वर्कर होता था उसको ही वो सबसे पहले लगाने का कार्य करते थे, और जो बाकी उनके जो उनका जो पैसों का लेन देन या जैसे भी वो करते थे, पर पहली सरकार में ऐसे ही लगाते थे। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार की अगर बात करें, बीजेपी सरकार कहती है कि गवर्नमेंट लेटर फोन पे आ जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। जो पहले पहले जो अपॉइंटमेंट लेटर आते थे उसके लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, विभिन्न विभागों के अलग अलग या बहुत चक्कर लगाने से जाके अपॉइंटमेंट मिलती थी, पर आजकल ऐसा नहीं है। अब जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर आपके फ़ोन पे आ जाता है। दावा कर रहे हैं बीजेपी की कांग्रेस के समय में नौकरियां बिकती थी? हाँ जी, ये दावा कुछ हद तक काफ़ी हद तक सही है। बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची काफ़ी युवाओं को नौकरी दी है, और अब युवा ज़्यादातर तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और ज़्यादातर समय स्टडी में देते हैं ताकि वो अपना अपने अपने बलबूते पर नौकरी लग सके। हाँ, बोली भी लगती थी, और उनके अपने रिश्तेदार अपने जानकार एमएलए के जानकार विधायकों के जानकार उनको ही ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, अगर बात करें, बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि हमने 9-10 सालों में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी है, तो कितना सही है उनका ये दावा? जी, इस दावे में दम तो कुछ हद तक है कि उन्होंने बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो है युवाओं को रोज़गार प्रदान किया है। पहला जो उनका सेशन गया है या पहला प्लान कह लीजिए, उसके अंदर जो प्रतिशत था वो ज़्यादा था। दूसरे के अंदर भी दिया गया है, लेकिन दूसरे प्लान में भर्तियाँ बहुत ही कम हो पाई है। जितनी भी भर्तियाँ निकाली गई हैं उनमें या तो किसी बात पर केस लग गया है या फिर उसको रद्द कर दिया गया है। अगर जो भर्ती पूरी हुई हो उसमें कैसे देखते हो, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है आपके आसपास में किसी को मिली है? बीजेपी का जो पहला प्लान था उससे पहले हरियाणा के अंदर कोई भी जो अभ्यर्थी कह लीजिए जो जॉब पे लगता था, कोई भी नया रोज़गार मिलता था उसको,
उससे पहले उसके पड़ोसी जो थे यही प्रश्न करते थे कि किसके माध्यम से लगे हो, कितने पैसे दे के लगे हो। लेकिन आज के डेट में जब भी कोई भर्ती का रिजल्ट निकलता है तो सबसे पहले चर्चा ये चलती है कि कितने परसेंट पे लिस्ट गई है, टॉपर बच्चे कितने गए हैं और कितने का सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का दावा सही है ये इसमें कोई झूठ बात नहीं है। बीजेपी सरकार का दावा सत्य है कि उन्होंने बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार दिए हैं। पैसे देखे अभी भी लग रहे हैं, इसमें ये कोई दोराय नहीं है, अभी भी लग जाते हैं। लेकिन जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वो पीछे नहीं रहता है, वो अपना रोजगार पक्का प्राप्त करता है देश। अच्छा, बीजेपी सरकार दावा करती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी जा रही है, तो कैसा मानते हो, सही है गलत है? सही है, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी मेरिट बेस पे दे रही है। तो पहले की सरकारों में, पहले की सरकारों में ज़्यादातर पैसे चले करते, और दस दस आदमी चंडीगढ़ का या तेजा खेड़ा का चक्कर मारे करते, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। अच्छा, और आप बीजेपी की सरकार में? बीजेपी सरकार में कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, तो आपके किसी परिचित को मिली है नौकरी बिना पर्ची बिना खर्चा? हाँ, अपनी बहू को मिली है। नौकरी के मामले में बीजेपी ही अच्छी है। अच्छा, तो पहले मेरिट के आधार पर जो नौकरी की बात करते थे कांग्रेस, तो वो मेरिट वालों को मिलती थी या नीचे वालों को ही मिल जाती? नो, नीचे वालों को। अच्छा, पैसे लेके होता? हाँ बिल्कुल, पैसे लेके, और चौटाला की गवर्नमेंट में पर्ची से काम बनता था। अच्छा, और बीजेपी सरकार की अगर बात करें? ये ना पर्ची और ना खर्ची, मेरिट के आधार पर। क्या नाम आपका? राजकुमार। अच्छा, बीजेपी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा करती है, तो कितनी सच्चाई है इसके अंदर? 100 की 100 सच्चाई है जिनकी, बिना पर्ची बिना खर्ची न्यू काम को बना है, जिसके बना नहीं गरीब से गरीब के, अमीर से अमीर के, कोई किसी सुनने लगती, विपक्ष बहक रहा है, बहक है। अगर पहली सरकारों की बात करें उसमें कैसे होता था? उसमें बिना पर्ची बिना खर्ची कम बना, किसी गरीब आदमी तो कम था, पीछे आना बना था, रिश्वत का बना है, उनका तो विभाग भी काम रहेगा। और बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में 1% भी नहीं है। तो आपका कोई परिचित है जो नौकरी लगा बिना पर्ची बिना खर्ची? हाँ हाँ, बादू लगे जी, मेरा गांव में तो कम से कम 60 बालक लग रहे हैं। मेरा कृष्ण लाल है जी। अच्छा, क्या कहेंगे, हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दे रही है, तो कितने सही हैं सरकार के दावे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो पहले की सरकारें होती थी उसमें पैसे लेके जो पत्र नहीं होते थे उनको भी लगा दिया जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें बिना पर्ची बिना खर्ची, मतलब के बिना भेदभाव के, मेरिट के आधार पर बच्चों को नौकरी दी जाती है। इसमें कई गरीब घरों के बच्चे भी नौकरी में शामिल हो चुके हैं। क्या हरियाणा में पर्ची और खर्ची से काम होता है? फिलहाल नहीं, फिलहाल कोई नहीं होता, सिर्फ बच्चा अपनी मेरिट से ऊपर जाता है, अपनी मेहनत से ऊपर जाता है, सरकार उससे लगाने में बहुत सहयोग करती है, खर्ची वर्ची का यहाँ कोई रोल नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो हजारों हजार बच्चे अपने इंटरव्यू लेटर लेके चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के पीछे, उसके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के पीछे भागते रहते थे। वो दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं तो चंडीगढ़, और हरियाणा के किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो वहाँ। एक युवाओं का बुरा हाल था, युवाओं के मन से पढ़ाई से विश्वास उठ गया था। अब जो पैरवी होते हैं वो तो पर्ची पकड़ाने से मिलती है, या फिर उनके जो मैन उनके कार्यकर्ता होते थे, हर गाँव गेल हर गली गेल, वो उनसे पैसे लेते थे और उनको नौकरी दिलाते थे, या फिर इनके पीछे भागना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने ये बीजेपी सरकार देखी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने काफ़ी परिवर्तन देखा है। सेंट्रल लाइब्रेरी MD यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी करता हूँ, बच्चों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है। ना भी पर्ची नहीं चलती, आप एक भी पर्ची मेरे को दिखा दो कहाँ पर्ची चलती है। आज लाइब्रेरी 10 साल पहले लाइब्रेरियों में जाले लग गए थे, अकेडमियों पर जाले लग गए थे, आज वे युवा और हमारी बहनें इतनी पढ़ लिख कर लाइब्रेरी अकेडमी आज सब फुल है, क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी में जो पढ़ेगा लिखेगा वही आगे पहुंचेगा।